हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम मैंने की TEE पर। दोस्तों, रोहिलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से आपके प्रैक्टिकल्स को लेकर यहाँ पर एक एग्जाम डेट बताएगी, किस तरीके किस डेट से आपके जो है प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे। आपके एग्जाम खत्म हो चुके हैं, कुछ लोगों के भी चल रहे होंगे, तो एग्जाम के बाद प्रैक्टिकल कब से होंगे उनकी डेट निर्धारित हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन 27 अगस्त का ये आपका पुराना है, ये वाला नोटिफिकेशन कॉलेज के लिए था, उनको किस तरीके से लॉगिन करना है ये सारी चीज़ें उनके लिए थी, आपके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन जो नया नोटिफिकेशन है जो कि अभी 30 अगस्त यानी कि आज आया हुआ, इसको आप देखिएगा, ठीक है। 30 अगस्त को यहाँ पर नोटिफिकेशन थोड़ा सा ब्लर है और अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है, आज शाम तक जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। इसमें बताया गया कि आपकी जो भी मुख्य परीक्षाएं यानी कि स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और परास्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष और बाकी समस्त प्रोफेशनल जितने भी आपके कोर्सेस हैं यानी कि सभी कोर्सेज सिर्फ बीएड, एमएड और जो है आपका बीएलएड और बीपीएड, ठीक है, इन कोर्सों को छोड़कर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप यहाँ पर है आपका बीएड, एमएड, बीएलएड और बीपीएड, इन कोर्सों को छोड़कर बाकी सभी के जितने भी आपके जो बाय हैं प्रैक्टिकल्स हैं वो आपके 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक कॉलेज वाले कराएंगे, यानी कि 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक हर हाल में आपके जो हैं बायबा हो जाएंगे प्रैक्टिकल्स। तो आप लोग अपनी तैयारी रखिएगा, जो भी आपकी फाइल्स वगैरह उनको आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है, कॉलेज के टच में रहिएगा ताकि आपके प्रैक्टिकल्स ना छूटे, प्रैक्टिकल्स छूटते हैं तो आपको दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ पर 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक आपके जो प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। बाकी यहाँ पर UP SSC पैट की हम लोग लगातार जो आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, लास्ट के अंतिम 45 दिनों के लिए धुआंधार तरीके से आपकी तैयारी चल रही, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार कराए जा रहे हैं, अपने इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री हैं, सभी क्लासेस रेगुलरली लेते रहिएगा। बाकी अपने साथियों के साथ अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी चैनल को ना भूलें। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।